हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आया हूँ भूल भुलैया 2 का। जी हाँ दोस्तों, भूल भुलैया 2 जिसने अपनी उम्मीदों से ज़्यादा साबित करके दिखाया है। इस फिल्म के ट्रेलर को देख के तो यह लग रहा था दोस्तों कि यह फिल्म वही टिपिकल बॉलीवुड ड्रामा टाइप होगी, लेकिन जब आप इस फिल्म को देखने जाओगे तो आपके सारे एक्सपेक्टेशंस गलत साबित हो जाएंगे और यह फिल्म आपकी उम्मीदों को तोड़ते हुए काफ़ी अच्छी निकल जाती है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के टोटल ऑनेस्ट रिव्यू की। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बात करें फिल्म के स्टार कास्ट की, तो इस फिल्म में आपको कार्तिक आर्यन, कायरा आडवाणी, तब्बू राजपाल यादव एवं संजय मिश्रा जैसे कई मंझे हुए कलाकार नजर आते हैं। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनीस बाजमी ने, जिनकी पिछली 3 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल करती नजर आ रही है। और इसका श्रेय जाता है तब्बू और कार्तिक आर्यन को। इन दोनों ने ही अपने अदाकारी और बेहतरीन एकदम पर पूरी फिल्म को उठा के रखा है और यह फिल्म देखने के लिए आपको मजबूर कर देते हैं। दोस्तों सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट निकला है इस फिल्म के स्टोरी। दोस्तों इस फिल्म के स्टोरी की बात की जाए तो यह फिल्म की स्टोरी राजस्थान के भवानीगढ़ में स्टेबलाइज्ड की गई है। इस फिल्म में रीत नाम की एक कैरेक्टर होती है जिसे भूतों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है, लेकिन किसी कारणवश वह भवानीगढ़ की हवेली में छुपकर रहना चाहती है। लेकिन इसी छुपके रहने के चक्कर में एक बार गलती से वह मंजूरी का कमरे का दरवाज़ा खोल देती है और उसके बाद पूरी फिल्म चलने लगती है और इस फिल्म की कहानी अपने पेस पे आ जाती है। दोस्तों इस फिल्म में काफ़ी सारे सरप्राइजिंग एलिमेंट्स भी है जो आपको सरप्राइज कर देंगे। थोड़े बहुत हॉरर सीन भी है, कॉमेडी भी थोड़ी बहुत काम कर जाती है। तो यह काफ़ी डिसेंट सी मूवी लगती है जिसे आप एक बार अवश्य देखना चाहेंगे। सिनेमेटिकली बात की जाए दोस्तों तो इस फिल्म के सेट्स आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे। इस फिल्म के कुछ कुछ कैमरा एंगल्स बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट तरीके से शूट किए गए हैं। ओवरऑल दोस्तों यह एक डिसेंट वन टाइम वॉच मूवी है जो एक बार देखने के तो बिल्कुल वर्थ है। दोस्तों इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारी रेटिंग है इस फिल्म को 3.5 out of 5। यह फिल्म अगर आपने देख ली है तो यह फिल्म आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ अगर आपको हमारे आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।